हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी मेट में डिफरेंशियल चैप्टर पर एक्सरसाइज है जो दी हुई है उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अपने को ग्रेडियंट ऑफ कर्व कैलकुलेट करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ग्रेडियंट ऑफ कर्व का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन्स अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कैलकुलेट करना है। तो अपने पास जो इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x+8 है। तो अपना सॉल्यूशन होगा कि हम जो इस इक्वेशन है इसको अपन विद रेस्पेक्ट टू x है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब क्या है कि जो ये जो वैल्यू है यहाँ पर अपन x⁻ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अपने को जो टू है जो कॉन्स्टेंट अपने मल्टीपल में दिया हुआ है, तो x⁻ का फॉर्मूला होता है n इंटू x⁻⁡। ठीक है, तब जब अपन इस वैल्यू पर जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 6x² और सेम एज इस वैल्यू में भी अपन क्या करेंगे x⁻ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर यह आएगा। और इसमें भी अपन x⁻ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कॉन्स्टेंट अपने मल्टीपल में दिया हुआ ही है तो अपने पास इसको जब सोल्व करते हैं तो -12 अपने पास आंसर आया। ठीक है, और ये अपने पास कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ है और कॉन्स्टेंट नंबर को जब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू है जो अपने पास आती है वो 6x² माइनस 6x-12 आई। ठीक है, अब क्या है अपने को जो x इज इक्वल्स टू 0 है उसके पर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपन 0 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा -12 है वो आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा -12, ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी अपने को ग्रेडियंट ऑफ कर्व कैलकुलेट करना है सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें अपने को वाई इज इक्वल्स टू √x+1 दिया हुआ है और अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट अगर आपने देखा होगा तो इजीली क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उसमें अपने को f(x) = दिया हुआ है e^(a)(x⁻²) + bx + c और हमें f.x है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। f.x का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका सॉल्यूशन होगा, अपन क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया वो कौन सा क्वेश्चन, अपना फंक्शन ऑफ फंक्शन है डिफरेंशिएट करना, अपना फंक्शन ऑफ फंक्शन, जब अपने फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन दिया हुआ था अपने पास डिफरेंशिएट कैसे होता है। ठीक है, तो अपने पास ये a(x²) + bx + c अपन एक फंक्शन मान लेते हैं और e^(x), तो e^(x) का फॉर्मूला क्या होता है e^(x), तो e^(x) और x की वैल्यू अपने जो मानी थी वहाँ पर a(x) + bx + c। और अब अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, अब अपने पास उसके अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है कि a(x²) + bx + c है तो उसका आंसर होगा 2ax+b। ठीक है, तो अपने पास b करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, f(x)² + 1/x²-1। ठीक है, तो अपने को f.x कैलकुलेट करना है, तो हम इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो डिवाइड वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स अपने को दिया हुआ अपन प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला जब अपन अप्लाई करते हैं तो अपन डी वाई अपॉन डी एक्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट ऑफ 3, 2, यानी कि x = 3 और y = 2, और अपने को जो ग्रेडियंट ऑफ कर्व अपने को दिया हुआ है -2/3। ठीक है, जो इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अपने को क्या है जो इस इक्वेशन है उसमें अपने को इस इक्वेशन से अपने को P और Q है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के अपने पास टू मेथड होते हैं, या तो अपन डिटेल मेथड से सॉल्व करें या फिर अपन जो ये MCQ दिए हुए हैं उनको अपन हेल्प लेकर सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो डिटेल मेथड उसे सॉल्व करा देता हूँ और फिर जो MCQ से कैसे हेल्प लेकर अपन सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 7
नंबर 7 है उस पर अपने पास जो इक्वेशन दी हुई थी है, अब इस इक्वेशन को अपन विद रेस्पेक्ट टू अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब अपन वाई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और जो एक्स इंटू वाई है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि जो अपने पास फर्स्ट फंक्शन है वो ऐसा कैसा और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस सेकंड फंक्शन वाई ऐसा कैसा और फर्स्ट फंक्शन एक्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है, और प्लस 2px है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2p, और 3qy इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे अपने पास वैल्यू क्या आएगी 3q, और y को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है dy अपॉन dx, ठीक है। और जब अपन इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास dy अपॉन dx, और जब अपन इस ब्रैकेट है उसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस अपने पास जो नेगेटिव जो माइनस चिन्ह था वो अपने पास माइनस वाई और प्लस 2p और प्लस 3q डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अपन कॉमन ले लेंगे कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है यहाँ और यहाँ इन तीनों में जब अपन डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो अपने पास 1 बचेगा इसमें से, और यहाँ पर अपने पास और यहाँ पर अपने पास 3q बचेगा, ठीक है। और जो ये अपने पास वैल्यू दी 2p माइनस वाई इसको अपन इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो अपने पास ये y है वो प्लस में आ जाएगा और 2p अपने पास माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और अपन dy अपॉन dx है, जो ये वैल्यू है अपने पास दी हुई है और ये वैल्यू अपने इसके डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। और ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, और जो इक्वेशन नंबर अपने फर्स्ट क्या मानी थी, इक्वेशन नंबर 1 अपने क्या मानी थी, जो अपने को ऑलरेडी दी हुई थी क्वेश्चन में, वो अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। क्या है कि अपने जो पॉइंट दिया हुआ था कि एक्स इजिक्वल्स टू 3 वाई इजिक्वल्स टू 2 है, वो अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें अपन पुट करेंगे पहले, तो ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दी हुई थी अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई थी वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। अपन इसमें जो वाई है वहां पर अपन 2 और एक्स है वहां पर अपन क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास जब पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 6p+6q -4 इजिक्वल्स टू 0, जिसको अपन इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 थी अपने पास, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो पॉइंट जो 3 2 है जो वैल्यू है 3 और y की 2 को पुट करेंगे, तो पुट करने पर अपने पास आंसर आएगा dy अपॉन dx 2 -2p अपॉन 1 -3+3q, और अपने पास जो dy अपॉन dx है उसकी वैल्यू दी हुई थी, डीवाई अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू दी हुई थी, क्योंकि अपन जब इस पॉइंट 3 2 है उस पॉइंट पर अपन जब ग्रेडियंट ऑफ कर्व करते हैं यानी डीवाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो अपने पास क्या आंसर आता था, -2/3, ठीक है। तो अपने पास -2/3 अपने पास वैल्यू दी हुई थी, और 2 -2p और 1 -3 अपने पास रहेगा। और जब इसको अपन सॉल्व करते हैं, जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू आती है, और फिर 6p-6q इजिक्वल्स टू, जब अपन ये जो 6p है वो इधर आ जाएगा और 6p, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है कि 6p-6q-2 इजिक्वल्स टू 0, और अपन इसको इक्वेशन नंबर 4 से डिनोमिनेट करते हैं, ठीक है। अब क्या, जब अपन इक्वेशन 3 और 4 है उनको सोल्व करते हैं दोनों को, जो पी अपन एक्स और वाई है उसकी जो वैल्यू पुट करने के बाद, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 3 थी अपने पास और ये इक्वेशन नंबर 4 थी। तो जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब सोल्व करते हैं तो अपने पास ये वैल्यू कैंसिल, तो अपने पास क्या बची 12p इजिक्वल्स टू ये जो 4 और 2 6, और ये दोनों जो ये जो वैल्यू 6 है ये नेगेटिव में थी माइनस में थी, तो इसको अपन जब इधर इस साइड लाते हैं तो अपने पास प्लस में आ जाएगी, तो अपने पास पी की जो वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। और पी इज इक्वल्स टू 1/t, 1/2 है वो अपन जो इक्वेशन 3 या 4 है उसमें किसी में पुट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 है उसे पुट करने पर अपने पास वैल्यू आएगी 6 × 1/2 -6q इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन नंबर 4 शो कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 4 थी, 6p-6q-2, तो यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास आंसर निकलेगा पी का, ठीक है। तो पी पर अपन यहाँ पुट करेंगे तो इससे अपने पास क्या होगी क्यू की जो वैल्यू है कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो जब अपन ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगी
क्यू की जो वैल्यू आएगी 1/6, तो पी और क्यू का आंसर होगा अपने पास 1/2 और 1/6 अपने पास आंसर डी अपने पास ये तो अपने पास फर्स्ट मेथड था कि हम क्या करेंगे कि ये जिसे हम लॉन्ग मेथड कहते हैं ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप पर चलेंगे ठीक है। इस और जो सेकंड जो मेथड है उसमें क्या है, हम जो ये एमसीक्यू दिए हुए हैं इनकी हेल्प लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है। अब ये कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन दिया वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, और इसमें हम क्या करेंगे एमसीक्यू उनकी हेल्प लेकर सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या करना कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कर लूँगा हेल्प लेकर एमसीक्यू के, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पर ये टेक्निक जो टेक्निक है वो अप्लाई करना और एमसीक्यू हेल्प लेकर सॉल्व करना ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 है वो अब हम समझते हैं कि एमसीक्यू की हेल्प लेकर अपन कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें जो वैल्यू जो अपने पास जो इक्वेशन दी हुई है ये इक्वेशन दी हुई है, और ये अपने पास पॉइंट दिया हुआ 1 1 पर, और जो वैल्यू दिया अपने पास 1/2 ठीक है। अब हम जो पॉइंट अपने को दिया हुआ है एक्स इजिक्वल्स टू 1 और वाई इजिक्वल्स टू 1 ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे ये जो इक्वेशन उसके ऊपर अपन वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है। तो अपने पास जब ये वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास जो फाइनल जो इक्वेशन निकलती है वो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हम जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनको रखेंगे, और फिर अपने पास ये जो वैल्यू 0 के इक्वल्स आ जाती है तो अपना वही करेक्ट एमसीक्यू होगा ठीक है। अब इसमें अपने को इस टाइप के क्वेश्चन अपने को डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि अपन इस क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने को क्लियर हो जाएगा ठीक है। जैसे कि अपने दियो है इक्वेशन दी हुई थी अपने पास 5 की पावर 2 इजिक्वल्स टू यू एक्स की पावर 3 प्लस 3, और पॉइंट अपने पास दिया हुआ था 2 3 यानी एक्स इजिक्वल्स टू 2 और वाई इजिक्वल्स टू 3, और अपने पास जो dy/dx है इजिक्वल्स टू 4 at P पे ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो पॉइंट दिया हुआ था अपने को 2 और 3, तो यहाँ पर एक्स इजिक्वल्स टू 2 वाई इजिक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर इस जो इक्वेशन उसमें अपन पुट करेंगे, तो इस पर पुट करने के पास अपने पास वैल्यू आती है 8u+v=9। अब अपन क्या करेंगे जो एमसीक्यू अपने को दिए हुए हैं उनको पुट करेंगे, तो अपने को एमसीक्यू दिए हुए थे अपने को फर्स्ट जो एमसीक्यू दिया हुआ था फर्स्ट एमसीक्यू अपने दिया हुआ था यू इजिक्वल्स टू 2 और वी इजिक्वल्स टू 7 ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है u इजिक्वल्स टू 2 और v इजिक्वल्स टू 7। अब इस इक्वेशन में अपन ये पुट करेंगे कि अपने पास जब ये u है 2 अपन यहाँ पर पुट करने पर और v अपने पास 7 पुट करने पर ठीक है, तो अपने पास 9 आ जाता है, तो ठीक है ओके अपना एमसीक्यू सही है और यही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जब अपन पुट करते हैं u की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 7, तो अपने पास 8 × 2 × 16 और प्लस 7 कितने होते हैं 16 + 7 = 25, तो जो 9 के इक्वल नहीं है तो अपने पास ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है ठीक है। है जो अपने को दिया हुआ है उसमें अपने पास u की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू -7 है, तब अपन इस वैल्यू को इस पर पुट करते हैं तो अपने पास आंसर 9 आता है, तो b करेक्ट ऑप्शन। यानी कहने का मतलब कि जहां पर अपना जिस एमसीक्यू अपना जल्दी सॉल्व हो जाता है वही अपना करेक्ट ऑप्शन ठीक है। तो अब अगर मैं समराइज करूँ तो कैसे कह सकता हूँ कि जब अपने पास ऐसी इक्वेशन दी हुई है कि जब अपने पास ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं कि अपने पास ग्रेडियंट ऑफ कर्व की वैल्यू अपने पास दी हुई है, तब अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास जो पॉइंट है जिसमें अपने पास एक्स और वाई की जो वैल्यू दी हुई है इसको अपन इस इक्वेशन पर पुट कर देंगे ठीक है। और फिर अपने पास जो इक्वेशन पुट करने के बाद अपने पास जो वैल्यू अपने पास जो एमसीक्यू दिए हुए हैं कि अपने को इस इक्वेशन से अपने को यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो एमसीक्यू है उनको उस वैल्यू पर पुट करते हैं और अपने पास इस इक्वेशन है उसकी वैल्यू सॉल्व हो जाती है, वही अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है। और ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 9 है जो आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी अपने पास एक्स वाई इजिक्वल्स टू 1 है और अपने को वाई स्क्वायर प्लस dy/dx है वो अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो 10th नंबर का क्वेश्चन तो 10 नंबर क्वेश्चन में अपन क्या है कि अपने पास ये अपने पास एक इक्वेशन दी हुई थी, तो यहाँ पर अपन प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अपने पास dy/dx की वैल्यू आएगी -y/x ठीक है। अपने को जो आंसर है उसमें अपने को सॉल्व करना था y² ठीक है प्लस dy/dx, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो y² है अपन दोनों बोथ साइड
है अपन बोथ साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब इस साइड वाइज स्क्वायर ऐड कर देंगे फिर अपन इस इक्वेशन जो ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक्स अपन एलसीएम ले लेंगे और फिर अपन ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर लेंगे और अपने पास जीरो अपने पास आंसर आएगा जो बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।